आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 20 और साथ में आज की तारीख है 3 दिसंबर। हम आज डेसिमल्स के बारे में और कुछ बातें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, ये सब हम वैसे पहले भी कर चुके हैं, मैं एक बार आपको रिमाइंड कराती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 से 1 के बीच में नंबर लाइन पर कितने नंबर हैं, तो आप सोचेंगे हाँ कितने नंबर हैं, 0 से 1 के बीच में कौन से नंबर होते हैं। मैं आपको याद दिलाती हूँ, ये आपने पढ़ा था, 0 से 1 के बीच में होते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.9 के बाद 0.10 नहीं होता, 0.10 की जगह पर वहां पर 0.9 के बाद होता है 1। तो 0 से 1 के बीच में हमारे नंबर लाइन पर ये सभी नंबर्स होते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारे 1 से 2 के बीच में भी बिटवीन इसी तरह के नंबर्स लाइन होते हैं, नंबर लाइन पर होते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 1.9 के बाद 1.10 नहीं होगा, 1.9 के बाद आपका 2 होगा। आप अपना स्केल उठाइए, स्केल पर देखिए, 0 के बाद 1 तक बीच में 9 लाइंस होंगी और 1 आ जाएगा, 1 के बाद फिर 9 लाइंस होंगी बिल्कुल छोटी छोटी, उसके बाद 2 आ जाएगा। तो वो जो छोटी छोटी 9 लाइंस हैं ये वही हैं 0.1234 से लेकर 9 तक। तो फिलहाल आपको याद है हमने सीखा था अगर नंबर लाइन पर हमें 0.3 दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, हम यहाँ पर इसको दिखाएंगे, इसका मतलब ये रहा हमारा 0.3 जो हमने पी से दिखाया है। फिर इन्होंने कहा 0.5 और 0.8 भी बताओ, तो हमने कहा ये रहा क्यू नाम से, हमने 0.5 को दिखा दिया और हमने R नाम से 0.8 को भी शो कर दिया है नंबर लाइन पर। अब इसके बाद हम अगर एक और बात याद करें जो अब तक हम सीख चुके हैं, आपको याद है ना कि एक लाइन को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये छोटे छोटे 10 पार्ट्स हैं 1, 2, 3 इस तरीके से करके, ये 10 पार्ट्स हैं। तो 0.3 का क्या मतलब है, 0.3 का मतलब है 3/10, क्योंकि हमने इसको 10 पार्ट्स में लाइन को डिवाइड किया है। तो इस पी पॉइंट को हम 3/10 भी बोल सकते हैं, 0.5 को 5/10 बोल सकते हैं और 0.8 को हम 8/10 बोल सकते हैं। अब इसमें एक मैजिक जो है वो क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 0.3 को हम 3/10 बोल सकते हैं, इसका मतलब 0.5 को हम 5/10 बोल सकते हैं और इसी तरीके से 0.8 को 8/10 बोल सकते हैं। पॉइंट के बाद एक नंबर है इसीलिए यहाँ नीचे 10 है, पॉइंट के बाद एक नंबर है 5 में भी 10 है, इसलिए ये है नंबर्स का खेल जो आज हम दरअसल खेलने वाले हैं या सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमें नंबर दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन दी हुई है 5/31/10। अब हमसे कहा गया है कि इसे डेसिमल में चेंज कीजिए, तो यहाँ पर कितनी जीरो हैं, तो आप कहेंगे 10 में तो 10 है, तो यहाँ पर सीधे तरीके से हम पीछे से नंबर काउंट करेंगे, 1 नंबर काउंट किया और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे और 0 ऑटोमेटिकली, 10 जो है वो ऑटोमेटिकली गायब, ये बन गया हमारा डेसिमल नंबर। अगर 20 होती तो हम क्या करते, हम पीछे से 2 नंबर काउंट करके डेसिमल लगाते। एग्जांपल के लिए सेकंड फ्रैक्शन को देखिए, यहाँ पर बाय में हमें 100 दिया हुआ है, 100 में कितने जीरो हैं, तो आप बोलेंगे 100 में तो 20 होती हैं, तो 2 नंबर काउंट किए पीछे से हमने और डेसिमल लगा दिया 4.22, पीछे 2 नंबर काउंट किए और लगा दिया और 0, अब हमारा 100 गायब हो गया है, ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। इसी तरीके से 3 जीरो हों 4 टाइम जीरो हों 5 टाइम जीरो हो, जितने भी टाइम जीरो होंगी उनको हम काउंट करेंगे पीछे की तरफ से और डेसिमल लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 3 थी तो हमने
पीछे से 3 नंबर काउंट किए, 1 2 3, और यहाँ पर डेसिमल लगा दिया और ऑटोमेटिकली जो 1000 था ये गायब और हमारा ये डेसिमल में फ्रैक्शन चेंज हो गया। तो ये फ्रैक्शन को हम चेंज करें डेसिमल में। अब बिल्कुल इसी बात को दोबारा से देखिए, इसको बैक करके देखते हैं या रिवर्स करके देखते हैं, रिवर्स करते हैं। 53.1 को अगर हमसे कहा जाए कि इसको वापस फ्रैक्शन में चेंज करो तो कैसे करेंगे, डेसिमल के बाद सिर्फ वन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम जो नंबर दिया हुआ है उसको ज्योंका त्यों लिख देंगे और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं वन के साथ उतनी जीरो लगा देंगे। तो हमने इसके नीचे 10 लगा दी, देखिए पहली वाली फ्रैक्शन वापस आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से मान के चलो यहाँ पे 53.1 ना होके 5.31 होता या डेसिमल 31 होता और फिर आपसे कहा जाता है कि इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो फिर आप क्या करते, बहुत सिंपल, जो नंबर्स हैं उनको ज्यों का त्यों सेम टू सेम लिख देंगे। 531 था तो 531 को 531 लिख दिया और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स थे, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे तो 1 के साथ आप 20 लगा दीजिए और ऐसा ही करते आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई है और ये फ्रैक्शन है। तो ये हम आज क्या सीख रहे हैं, दरअसल हम सीख रहे हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, जो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया। 34.5 को इन्होंने कहा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो इसीलिए हमने वन टाइम नंबर था तो 1 टाइम 0 लगाई। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं तो हमने 1 के साथ 20 लगा दी और फ्रैक्शन हमारी तैयार हो गई है। इसी तरीके से डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो हमने 47, आगे जो 0 थी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए उनको हटा दिया और 3 टाइम 0 लगा दी। इस तरीके से हमारी फ्रैक्शन तैयार हो गई है। तो अब हमने आज क्या सीखा, जो सीखा वो हम अब सीख ही गए हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना और डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमें कुछ सम्स दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में, तो 1 टाइम 0 है तो पॉइंट डेसिमल कहाँ आएगा, 7 से पहले, क्योंकि 1 नंबर काउंट करेंगे। यहाँ पर 2 टाइम 0 है तो 2 नंबर काउंट करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल आएगा, और यहाँ पर 3 टाइम 0 है तो डेसिमल यहाँ आएगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डेफिनेटली आपके लिए सॉल्यूशन में लेकर आई हूँ ताकि आपको काम करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट सम के हमारे आंसर्स हैं ये तीनों पार्ट। बिल्कुल इसी तरीके से डेसिमल नंबर को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है इसीलिए हम सिर्फ 1 टाइम 0 लगाएंगे। यहाँ पर 2 टाइम डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं इसलिए 2 टाइम 0 लगा दी, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर 3 टाइम 0 लगा दी। मैंने आपको बताया था जो आगे वाली 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हमने इसको हटा दिया और ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ महाधीन की तरफ से जो भी सॉल्यूशन और वर्कशीट आपको समझाई जा रही है वीडियोज़ के थ्रू, उससे आपको आपका होमवर्क करने में भी आसानी हो रही होगी और साथ में आपको आपकी वर्कशीट भी समझ में आ रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं महाध्ययन आपके लिए इसी तरह से वीडियोस लाता रहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि महाध्ययन चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है कि महाध्ययन को लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो आपको करना फटाफट से ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप हमेशा ही लाइक कर दिया कीजिए, हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, आपके ठीक वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और अब लिखा होगा वहाँ पे सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।